नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी, आप सभी लोग कुशा कर रही है इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे बजट 2024 में जो आया है, 23 जुलाई को आया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, 7वीं बार लगातार पेश किया, 18वीं लोकसभा में पेश किया है और चुनाव के बाद का ये पहला बजट है आपके, जो थर्ड टर्म लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो पहले देखेंगे कि क्या क्या किस किस को दिया गया है, तो थोड़ा मीन्स का हमने यूज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बजट और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बच्चा महसूस तकलीफ करता है समझने में, जिसका इकोनॉमी से कभी पाला नहीं पड़ा है। तो थोड़ा ट्राई किया है कि यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आना चालू हो। स्टार्ट भाषा में आप लोगों ने पीडीएफ देखी होगी, शायद बजट भी बहुत लोगों ने देखा होगा। एग्जाम में क्या आ सकता है, नेक्स्ट प्रीलिम्स में क्या आएगा और मेंस में आपके लिए क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, 2 नंबर में आपके क्या आ सकता है या उससे बड़े क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, कैसे आप कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भी हम कवर करेंगे, लेकिन अभी हम बजट कवर कर रहे हैं, उस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपके मेंस में क्या क्या उसमें से काम आ सकता है। पीडीएफ तो 476 पेज की सबने डाउनलोड कर ली है टेलीग्राम चैनल से और पढ़ी किसी ने भी नहीं है, है ना, 2-4-5% लोगों ने पढ़ी है, तो उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है 476 पे, जिसमें से कुछ काम काम का है उस पर अपन चर्चा कर लेंगे। पहला आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 3 लाख करोड़ जो है कि स्कीम्स पे खर्चा होगा महिला और गर्ल्स के लिए। मीम में आप देख रहे होंगे वो स्त्री कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो चूंकि वित्त मंत्री महिला है तो उन्होंने महिला और गर्ल्स के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का बजट रखा है, जिसमें महिलाओं को बेनिफिट्स और लाभ दिया जाए। तो आपको पॉइंट आउट सिर्फ 3 लाख करोड़ करना है, ये हाईलाइटेड है आप देख सकते हैं, है ना, येलो कलर से। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 3 लाख करोड़ किस पे खर्च होंगे। सेकंड थिंग आप देख रहे होंगे, एक छोटा बच्चा वहां पर देख पा रहे होंगे कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज ओवर 5 ईयर्स विद अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 5,000 एंड वन टाइम ग्रांट फॉर 6,000। ये स्टूडेंट्स और यूथ के लिए बहुत बड़ी योजना है, आप समझ लीजिए इस पर सरकार खर्च करने वाली है। 1 करोड़ लोगों को 500 कंपनियों में 5 साल के अंतराल में, मतलब ओवर 5 ईयर्स, आपको मंथली पैसा भी मिलेगा, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं 5,000, और वन टाइम ग्रांट जो है 6,000 दिया जाएगा। तो इंटर्नशिप करेंगे तो आप स्किल्ड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का मानना है कि यूथ स्किल्ड नहीं है, इसीलिए उनको काम नहीं मिल पा रहा है या हमारी कंपनियों के लायक नहीं है। इंटर्नशिप से ये हो जाएगा। जैसे डॉक्टर्स आपने देखा होगा, सामान्यतः अपनी MBBS करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, PG के बाद भी इंटर्नशिप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा और इस पर खर्च हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि ये स्कीम हमारी इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में था चुनाव से, जहां से निर्मला सीतारमण जी ने कॉपी पेस्ट कर लिया है, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्कीम अच्छी है, जब राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि ये कॉपी पेस्ट है हमारे मैनिफेस्टो से जो इलेक्शन में हमने दिया था, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। सेकेंड अगला आप देख पा रहे होंगे कि लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इनहांस्ड, बढ़ा दिया गया, जो मुद्रा लोन है उसको बढ़ा दिया गया 20 लाख, अभी कितना है 10 लाख तक है और बढ़ा के कितना कर दिया गया है इसको 20 लाख कर दिया है MSMEs के लिए, जो माइक्रो और मिनी उद्योग हैं आपके, छोटे और लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए ये आपका 20 लाख रुपये कर दिया गया है। तो नीचे आप मीम देख पा रहे होंगे, ये भी ठीक है, ये भी क्या है आपके के लिए अच्छा है। तो ये सब डेटा आपको लिखना पड़ेगा कि 20 लाख हो गया है, क्लियर, प्रीलिम्स में आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ई वाउचर, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूं ताकि आप देख पाए। ई वाउचर्स फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फ्रॉम 1 लाख स्टूडेंट्स एनुअली, एक साल में 10 लाख दिए जाएंगे 1 लाख स्टूडेंट को साल भर में, विद इन 3% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक मिलेगा 1 लाख स्टूडेंट को, जिसमें 3% ब्याज लगेगा। अब मजा आएगा ना भिड़ू, ये वहां पर आप देख सकते हैं, ये कहा है जिनको हायर एजुकेशन के लिए करना, उनको ई वाउचर्स मिलेंगे
तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए लिखा है कि अभी मजा आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, एंजल टैक्स रिमूव फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इसमें आखिर वो दिन आ ही गया, इन्वेस्टर्स और वीसीज कह रहे हैं। तो एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता था, जब आप कोई स्टार्टअप खोलते थे तो उसमें आपको खोलने पर जो आपको फॉरेन से फंडिंग होती थी या किसी और भी कंपनी से फंडिंग हो रही है, तो उसमें आपको टैक्स लगता था, उसको एंजल टैक्स कहते थे, शुरुआती टैक्स किसी बिजनेस को करने के लिए। तो ये अब ये कह दिया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्टार्टअप खोलने वाले हैं, अब उनको एंजल टैक्स नहीं लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप खोलेंगे ताकि फायदा हो। और चूंकि लोग स्टार्टअप खोले पढ़ लिख के, क्योंकि जॉब्स का तो आप देख ही रहे हैं बहुत कम है, तो सब लोगों को प्राप्त नहीं होगी। तो स्टार्टअप को सरकार प्रमोट कर रही है, पहले भी आप करती रही है, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी सरकार इसमें चलाती रही, तो इसमें से एंजल टैक्स हटा दिया है। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा है जो स्टार्टअप खोल रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, एलोकेशन ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। 2 लाख करोड़ जो है पैसा अलॉट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए, लोगों की स्किल्स ठीक किए जाएं और उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए सरकार देगी। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिससे रोजगार क्रिएट हो ऑफ अबाउट 4.1 करोड़ यूथ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल के अंतर्गत 4.1 करोड़ रुपए जो है यूथ के जॉब के लिए एलोकेट करने की यहां पर बात हुई है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो यहां पर नोट करने वाली बात वही है कि एलोकेशन ऑफ 2 लाख करोड़, इसको अंडरलाइन कर लीजिए जो हाईलाइटेड है, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अबाउट 4.1, 4.1 करोड़ यूथ नेक्स्ट में ये आपको पैसा जॉब देने का काम करेंगे। अब दे पाते कि नहीं दे पाते ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये हमेशा सरकार इसमें संदेह के घेरे में रही है। तो ये अब जैसे अक्षय कुमार इसमें कह रहे हैं कि नहीं सच्ची मैं नहीं मानता, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि पिछले जो टेन्योर में 2 करोड़ जॉब की बात हुई थी वो नहीं मिली, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। ठीक है, बट ये डेटा आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 1,000 करोड़ बूस्ट फॉर स्पेस इकोनॉमी, स्पेस के लिए 1,000 करोड़ दिए गए हैं। स्पेस इकोनॉमी टू बी एक्सपेंडेड 5x इन नेक्स्ट 10 ईयर। ठीक है, तो 10 साल के में एक्सपेंड हो हमारी स्पेस की इकोनॉमी, जिससे हम अपना पैसा जनरेट कर सके, जिसको स्पेस सेक्टर आप बोल सकते हैं। पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट, मतलब कोई कह रहा है, एक एक मंगल मूवी का उन्होंने वो डायलॉग लिया है। तो देख सकते हैं कि ये इतना स्पेस के लिए हमने भारत सरकार ने दिया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1 लाख करोड़ फाइनेंसिंग पूल फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, स्टेम रिसर्चर जिसे बोलते हैं, स्टेम सेल को कर लेना रिसर्च, है ना, जिससे जेनेटिक बीमारियों को ठीक किया जाए बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कि जलवा है हमारा यहाँ। 1 लाख करोड़ फाइनेंसिंग पूल के लिए दे जाए, जो फाइनेंसिंग पूल होते हैं फॉर कटिंग एज रिसर्च के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया गया, हालांकि मैंने पूरा लिखा है, इसको आप लिखिएगा जरूर। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब थोड़ा हम दूसरी चीजों पर आ जाते हैं जो आपके और समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखिए बिहार बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है, देख सकते हैं आप, वो पॉइंट आप यहां से राइट डाउन कर लीजिए। पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर बोध गया राजगीर दरभंगा एक्सप्रेस के लिए जो है पैसा मिला है। बक्सर में गंगा नदी पर पुल, कुल लागत 26,000 करोड़। महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे, जैसे महाकाल बना हुआ है काशी कॉरिडोर बना हुआ है, विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे, राजगीर के विकास के लिए काम करेंगे, नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाएंगे, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, खेल के लिए इंफ्रा का विकास होगा। तो कुल 26,000 करोड़ जो है दिया है। बजट के 4 चैंपियन यहां पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 4 चैंपियन कौन कौन से। नीतीश कुमार सड़क पावर प्रोजेक्ट 47,000 करोड़ प्राप्त हुए हैं, 3 एक्सप्रेसवे प्राप्त हुई है, महाबोधि विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर बना, एग्जाम में आ सकते हैं, ये प्रीओ मेंस में लिखना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इंटरव्यू वाले भी देख लें इस चीज को।
चंद्रबाबू नायडू को नई राजधानी में 15,000 करोड़ मिले हैं डेवलपमेंट के लिए। पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट को फंड मिला है। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को फंड मिला है। नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले टैक्स में छूट मिली है, बहुत माइनर छूट है, देखेंगे अपन अभी आगे। युवाओं को क्या मिला है, 4 लोगों को बेस करके इकोनॉमी आप देख सकते हैं, 4 चैंपियन रहे। ईपीएफओ में दर्ज पहली नौकरी वालों को 15,000 रुपए, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, कौशल विकास के लिए 1.48 हजार करोड़ रुपए मिले हुए हैं। यहां पर आ जाते हैं इग्नाइटिंग इनोवेशन में आप देख लीजिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, न्यू फंड फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, हम बता चुके हैं आपको, 1,00,000 करोड़ फाइनेंसिंग पूल, फ्यूलिंग प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन एंड कमर्शियल स्किल रिसर्च के लिए ये पैसा मिला है, इसको इग्नाइटिंग इनोवेशन नाम दिया है, ये मीम के थ्रू अभी आपको बताया है। पावरिंग अप इंडस्ट्री, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इन 100 सिटीज में बनाए जाएंगे, 12 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्रिटिकल मिनरल मिशन विल बी लॉन्च टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। पावरिंग अप MSMEs एंड सर्विस, लघु एवं कुटीर उद्योग, बैंक क्रेडिट मेड इजी, कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर MSP ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मुद्रा लोन्स को डबल कर दिया गया, 20 लाख कर दिया 10 से, सपोर्ट फॉर फूड इरेडिएशन, फाइनेंशियल एड फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट यूनिट्स, ट्रेड्स ऑनबोर्डिंग सिंप्लीफाइड, टर्न ओवर थ्रेशोल्ड रिड्यूस फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़ दे दिया गया है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है, हेल्पिंग MSME एंड आर्टिजन ऑन ग्लोबल, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी बनेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आपको राइट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले। बिगर सेविंग्स क्या होगी, रिलीफ फॉर 4 करोड़ सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स, सेविंग अप 17,500 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय इन न्यू रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड अप टू फ्रॉम 50,000 टू 75,000, बहुत कम ही है, आप देख सकते 25,000 का ही डिडक्शन बढ़ाया है, फैमिली पेंशन डिडक्शन 15,000 से 25,000 कर दिया है, तो ज्यादा इसमें फायदा नहीं मिला है, तो आप इसको कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही है, ज्यादा कुछ यहाँ फायदा नहीं हुआ है। नारी शक्ति के लिए बता चुके हैं कि सेटिंग अप वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स एंड क्रिचेस, 3,00,000 करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स, ये आपको मीम के थ्रू बता चुके थे, रिडक्शन इन ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेस्ड बाय वुमेन, यदि महिला के नाम पर कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदा जाता है तो उसमें जो है उसकी ड्यूटीज में क्या है कुछ छूट दी जाएगी, डे NRLM टू कवर ओवर 8.9 करोड़ वीमेन एंड 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो SHG है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू 8.9 करोड़ महिलाओं को, 83 लाख जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की जाएगी, स्व सहायता समूह जिसे आप कहते हैं। रिफॉर्म्स कहां होगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, टेक पावर्ड इकोनॉमी, स्पीडिंग अप डिजिटलाइजेशन करेंगे, जन विश्वास बिल 2.0, एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्मार्ट डेटाबेस टू इंप्रूव डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, कमेटी टू रिव्यू न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के लिए भी कमेटी गठित की गई है जो उस पर फैसला देगी, 1,000 ITIs रिवैम्प्ड करेंगे, हब एंड स्पोक मॉडल फॉर टॉप टियर ट्रेनिंग ओवर 5 years, इंटर्नशिप 12 महीने की, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद मंथली अलाउंस ऑफ 5,000, 1 करोड़ यूथ टू बी स्किल्ड बाय इंडिया स्टॉप कंपनीज इन 5 years। देखिए एक चीज बता दूं, ये कंपनियों के ऊपर कंपलसरी प्रेशर सरकार ने नहीं बनाया है, ये वित्त मंत्री बयान दे चुकी है ना, कंपलसरी नहीं है कंपनियों के लिए कि आप ऐसा करें, लेकिन कंपनियों से ऐसा कहा गया है कि आप हमारी यूथ लें, उनको स्किल्ड करें और बदले में हम यूथ को इतना पैसा देंगे, ये कोई फोर्सफुली डिसीजन कंपनियों पर सरकार स्थापित नहीं कर रही है, सिर्फ कंपनियों से कह रही है कि हम पैसा देंगे आप उनको बस स्किल्ड कर दो। नेक्स्ट देखें, ट्रांसफॉर्मिंग लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट को लेके क्या ट्रांसफॉर्म सरकार ने किया, यूनिक लैंड आईडीज बनेगी, है ना, अब जमीन की अपनी आईडी बनेगी, असाइनिंग आईडीज टू ऑल लैंड्स इन रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में असाइन की जाएंगी आईडीज उनकी लैंड की, रूरल लैंड रजिस्ट्री फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिकॉर्ड्स, मॉडर्न लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपग्रेडिंग रूरल एंड अर्बन प्लानिंग एंड बायलॉज,
इसमें आप देखिए कि अब उन चीजों को सही से बनाया जाएगा, उनकी रजिस्ट्री की जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिकॉर्ड रखे जाएंगे, मॉडर्न लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अपग्रेड किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी प्लानिंग एक नियम और कानून के तहत उनके लिए बनेगा और उसके तहत उनका डेवलपमेंट होगा। बिग मूव्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, गया इंडस्ट्रियल नोड बनेगा और अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर कमिंग अप, वहां पर गया में डेवलप हो जाएगा अमृतसर से जो कोलकाता के लिए कॉरिडोर बनेगा। 26,000 करोड़ बूस्ट टू रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मिले हैं, 15,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट फॉर अमरावती एज आंध्र प्रदेश कैपिटल, 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र। स्टैंडिंग फर्मली विद स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के साथ मजबूती के साथ सरकार खड़ी है। इसके लिए क्या किया सरकार ने, रिवैम्प्ड मॉडल स्केल लोन स्कीम अप टू 7.5 लाख टू बेनिफिट 25,000 स्टूडेंट्स एनुअली, साल भर में 25,000 स्टूडेंट को 7.5 लाख तक आपका जो है पैसा इनको दिया जाएगा। रिवैम्प्ड मॉडल के लोन जो है 7.5 लाख तक बेनिफिट दिया जाएगा 25,000 स्टूडेंट को साल भर में। ई वाउचर्स फॉर हायर एजुकेशन 10 लाख रुपए दिया जाएगा 1 लाख स्टूडेंट को प्रत्येक वर्ष, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन द लोन होगा, अमाउंट विल बी डायरेक्टली अप्लाइड। ठीक है, सोइंग सीड्स ऑफ इनोवेशन, सोइंग मतलब बुवाई, जिसको बोलते हैं ना बुवाई, तो बुवाई जो है बीजों की उसमें भी इनोवेशन कैसे किया गया है, इसको आप प्राकृतिक खेती से भी जोड़ सकते हैं, उसमें क्या रिफॉर्म हुआ देखें। आउटले क्या है, 1.52 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का एक आउटले रखा गया है। 1 करोड़ फार्मर्स विल बी ट्रांजिशन टू नेचुरल फार्मिंग, 1 करोड़ फार्मर्स को ट्रांजिशन किया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए। जरा अर्थ अंतर समझिए, आप कहेंगे तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में अंतर होता है, बहुत लोग नेचुरल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक समझते होंगे, एक नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है जिसमें किसी भी प्रकार का आप केमिकल यूज नहीं करते हैं और सिर्फ देसी खाद का यूज करके करते हैं। नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक खेती जैसी नहीं है, वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक खेती को लेके आप कहेंगे तो एक हम वीडियो बना देंगे, बट नेचुरल फार्मिंग की ओर हम ले जा रहे हैं। ठीक है, 10,000 नीड बेस्ड बायो इंपोर्ट रिसोर्स सेंटर विल बी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, 10,000 ऐसे नीड बेस्ड बायो इंपोर्ट रिसोर्स सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। लार्ज स्केल क्लस्टर फॉर वेजिटेबल भी स्थापित किए जाएंगे, जो उत्पादन भी करे, प्रोडक्शन विल बी डेवलप्ड जहां पर हो। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर टू कवर 6 करोड़ फार्मर्स एंड लैंड्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर टू कवर 6 करोड़ फार्मर्स एंड लैंड, अ डिजिटल क्रॉप सर्वे भी होगा, खरीफ विल बी कंडक्टेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, खरीफ की फसल 400 आपके जिलों में होती है, उसका डिजिटल सर्वे भी किया जाएगा। What's in store for me? मेरे लिए क्या है, 5 new schemes for employment and skilling with outlay of 2 लाख करोड़ की है, to benefit 4.1 करोड़ youth over 5 years, 4.1 करोड़ youth को 5 साल में जो है इसको skilling कराई जाएगी, employment दिया जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं, इसका मीम मैंने आपको दिखा दिया था। 1.48 लाख करोड़ package for education, जॉब्स और स्किलिंग के लिए रखा गया है, ये सब अंडरलाइन करना, एग्जाम आएगा। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 1 मंथ वेज टू ऑल पीपल न्यूली एंटरिंग वर्कफोर्स, ठीक है, सरकार प्रोवाइड करेगी 1 मंथ का वेज सभी पीपल को जो पहली बार एंटर हो रहे हैं किसमें, वर्कफोर्स में। विल स्किल 20 लाख यूथ इन नेक्स्ट 5 ईयर, 20 लाख यूथ को हम स्किल्ड कर देंगे 5 साल, आने वाले 5 साल। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ इन टॉप 50 कंपनीज, तो ये एक विकसित भारत की हाईलाइट बजट की आपके बीच में रखी गई है। कुछ चीजें और भी हैं जो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एक ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको लेके बहुत कम लोगों ने, देखिए बजट 2004 में जो सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन टेस्ट है STT ऑन F&O, ठीक है, हाइट कर दिया इसको 0.02% एंड 0.1%, 60% हाइक हुआ है, ध्यान से दिया आपने, तो ये सेबी बनी हुई है जो मुन्ना भैया है और रिटेलर है जो पिट रहा है। इसमें
इसको मैं बताऊंगा ये है क्या चीज, ठीक है, और इससे कैसे लॉस हुआ है जो लोग शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, शेयर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको किस प्रकार से लॉस हुआ है, थोड़ा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। आप कहेंगे कि सर बता दिया, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए। ओवरव्यू में दे देता हूं, फिर आप लोग कहेंगे, कमेंट करिए, तो इसमें मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप लोग बताइए तो मैं इसको बनाऊंगा। देखिए, आपने मान लीजिए 100 रुपए का शेयर खरीदा है, और मान लीजिए शेयर की कीमत बढ़ के 200 रुपए हो गई, ठीक है, ये ऑप्शन है, पुट ऑन है, पुट ऑफ कॉल मनी है, ये इस तरीके का, ये है एफ एंड ओ, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, बताएं। 200 रुपए हो गया, तो आपने यदि 1 साल के अंदर उसको बेच दिया तो आपको डबल प्रॉफिट हो गई। फिर आपने लॉन्ग टर्म भेजा, मान लीजिए 150 का है, फिर उसको आपको 3-4 साल बाद भेजा, कोई लॉन्ग टर्म शेयर आपने खरीदा है, तो होता क्या था कि आपको फायदा हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, यदि आप शॉर्ट टर्म में भी बेच रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी बेच रहे हैं, तो उसमें आपको पैसा लगा दिया, ये हाइक कर दिया है, ठीक है, तो आप शेयर से भी सरकार कह रही कि आप प्रॉफिट नहीं करिए, हमको टैक्स तो मिल नहीं रहा उस पर, तो हम इससे पैसे, जैसे ही आप बेचेंगे तो ये जो बढ़ा दिया है ना, 60% हाइक हुआ है, ये बढ़ा दिया है, ये अब आपको बढ़ा हुआ कट के मिलेगा। सपोज दैट, ऐसा समझ लो कि 100 रुपए पे, और सरल कर देता हूं, यदि सरकार आपको 90 रुपये बेचने पे 90 रुपये आपको बचते थे, तो अब आप समझ लीजिए आपको 85 रुपये बचेंगे, मतलब आपको और 5 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे, और शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको कम देने पड़ेंगे, है ना। तो आप कहेंगे तो इसको लेके पूरा वीडियो बनेगा, और उसमें एक 15-20 मिनट का टाइम जाएगा, तो आप कहेंगे तो इसको मैं समझा दूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट से भी आजकल क्वेश्चंस पूछने का चलन बढ़ा है, हो सकता मध्य प्रदेश आए पूछ ले, तो आप कहेंगे तो इस पे मैं बना दूंगा, इससे संबंधित जो कॉल ऑन मनी है, पुट ऑन मनी है, ऑप्शन है, इक्विटी है, ये सब टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, तो हम देख लेंगे, आप कहेंगे तो, ठीक है, ये बजट है, और ये बजट से आपका, मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रीलिम्स और अभी मेंस के 2 मार्कर इंटरव्यू में पर्याप्त क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे को लेके एक हम वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप कहेंगे तो ये चीजें भी हम इकोनॉमिक टर्म्स में और समझा देंगे, जो हमने अभी आपसे बोला है। थैंक यू वेरी मच फॉर ये वीडियो, आप देखें और शेयर करें, पसंद आए लाइक करें, और कोई टर्म समझ में नहीं आया हो, जिसपे आपको कुछ पूछना हो, ठीक है, ये पूरा नहीं दिखा है, तो ये सेबी है, और ये रिटेलर है जिसको मुन्ना भैया मार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया है, तो आप कहेंगे तो हम उस पर हम बना देंगे, ये भी समझा देंगे, और इकोनॉमिक सर्वे का छोटा वीडियो लाएंगे, वहां से आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। एक मैंने टर्म और बोला है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो भी हम चर्चा कर लेंगे, आप कहेंगे तो उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आप लोग जरूर बताइए, और थैंक यू वेरी मच।